आज हम बनाने लगे हैं चिकन रैप्स। हमारे साथ दो मसले हुए हैं, अगर हम बाहर की चीज़ें ला के वीडियोस बनाते हैं तो वो इसराइल की प्रोडक्ट्स होती हैं। हमारे पाकिस्तान में इसराइल के प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम बायकॉट करना भी चाहें तो हमारे साथ पास सिर्फ घर का खाना ही बचता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम पाकिस्तान की लोकल चीज़ें लेते हैं तो आपसे रिकमेंड करने लग जाते हैं कि लोकल है लोकल है, कम अज़ कम अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट तो कर रहे हैं। तो हमने कहा सब छोड़ो, उस पर भी बैड कमेंट्स है, उस पर भी बैड कमेंट्स है, तो अब हम आ गए हैं अपने घर के देसी फूड पे। अब इन देसी फूड्स में इतनी मेहनत है कि जितने मैं अपनी बाकी एक हफ्ते की वीडियोस बना लूं, पर क्या करें, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। क्या पता इसी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, और सदियों पुरानी मेरी एक विश कि न्यू ईयर से पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, वो किसी तरह पूरी हो जाए, अल्लाह करे काश ऐसा ही हो। उसके बाद हम एज यूजुअल अपने वेजिटेबल्स को कट करने की स्पीड 10x पे लगाते हुए, अगर आपको स्लो में दिखाएंगे तो पूरे 3 दिन निकल जाएंगे आपके, क्योंकि वेजिटेबल्स कट करने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं इतनी देर में काटती हूँ कि देखते देखते आप लोगों को नींद ही आ जाएगी। तो आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स है आपने उनको कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिया अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, कोरिएंडर, स्प्रिंग अनियंस और ग्रीन चिली। अब इन सबको चॉप करने के बाद हमने क्या किया है, इसको एक साइड पे कर लेना है। उसके बाद हमने अपना चिकन लेना है, चिकन को भी अपनी वेजिटेबल्स की तरह स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। और ये मेरी वेजिटेबल्स की कलरफुल प्लेट मैंने आपको दिखाते हुए। इसके बाद हम बनाएंगे सॉस। सॉस के लिए हमने इसमें वट ली है, इसमें हमने मायोनीज डाली, मायोनीज डालने के बाद हमने इसमें डाली है अपने स्पाइसेस। स्पाइसेस में हम सबसे पहले इसमें सॉल्ट डालेंगे, फिर चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स के बाद हमने इसमें डाली ओरिगैनो, ओरिगैनो के बाद हमने इसमें अपने सॉसेस ऐड किए जिसमें हमने सोया सॉस डाली और चिली सॉस। अब आप इसको चख चख के देख सकते हैं कि आपको अपना स्पाइस लेवल कितना रखना है, और जब तक आपको बाहर जैसे सॉस का टेस्ट ना आए आपने बस इसमें मायोनीज डालते जाना है। सॉस का सबसे ज्यादा कमाल मायोनीज का ही है। यहाँ पे हमने अपनी सॉस प्रिपेयर कर ली है। अब इस सॉस प्रिपेयर करने के बाद हमने इसमें अपनी एक दो सीजनिंग्स और ऐड की है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे एक साइड पे कर लेंगे। तो हमने अपने किया है अपने चिकन को क्यूब्स में कट। अब चिकन में भी कोई बैड कमेंट ना करे, अभी जिसके जितने भी सही पार्ट नहीं थे उनको हमने पहले ही अलग कर लिया था, इसको हमने अच्छी तरह चॉप करना है। अब ये हमारा चिकन भी हमारी वेजिस की तरह फ्रीज हुआ हुआ था। अब हमने लिया फ्राई पैन में ऑयल, इसमें अपना चिकन डाला है, इस चिकन को हमने कलर चेंज होने तक कुक कर लेना है। अब आपने इसमें करनी है अपने मसालों की भरमार, इतना कि ये इतना जूसी और फ्लेवरफुल बन जाए कि आपको बार बार इसको खाने का दिल करे। उसके लिए हमने इसमें डाला सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, और उसके बाद हमने इसमें डाला चिकन रैप का मिक्स मसाला पाउडर। उसके बाद हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स को ऐड किया, इसके साथ अच्छी तरह इसको सोटे कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें डाला अदरक लहसुन पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बस जो सब मसाला है वो इन सब चीज़ों के अंदर अच्छी तरह रच जाना चाहिए। एंड में हमने इस पर डाली है अपने सॉस, जिसमें हम डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे विनेगर और टमाटो केचप। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको भी साइड पे कर लेना है। अब जो हमने अपना डो तैयार किया था, डो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सॉल्ट, ऑयल, मैदे को पानी के साथ गूंद लिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह प्लेन कर लेना है। इसके बाद हम इसके जितने पीसेस हो सकेंगे रोटियों की तरह इसके पेड़े कर लेने हैं। अब अपने घर के अफराद की तरह आप जितने पेड़े छोटे करना चाहें उतने कर सकते हैं। रैप छोटा हो जाए पर सबके हिस्से में ज़रूर आना चाहिए। अब हम इसको जल्दी से बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने इसे सेम रोटी वाला सारा प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। और अगर आपकी भी रोटी गोल ना बनती हो तो उसके लिए कोई हैक नहीं बताने वाली, उसको गोल करने की कोशिश करें, रोज़ पकाएं तो आपकी गोल हो ही जाएगी। अभी हमने तवे पे अपने टोटीला को रोटी की तरह पका लेना है, पर रोटी की तरह इसको पूरा नहीं सेकना है, बस थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन होने तक पकाना है। अब इतनी मेहनत करें और आप लोग लाइक भी ना करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे खुद को समझ नहीं आती कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए। ऐसा क्या नहीं है मेरी वीडियोस में जो दूसरों की वीडियोस में है। सब करती हूं मैं अपनी वीडियोस के अंदर, अपने वीडियो के लिए किचन में खुद से ज़्यादा अपने वीडियो स्टैंड को जगह देती हूँ। साइड में खड़े होकर रोटियाँ सेकती हूँ, इतनी गर्मी में जलती हूँ। वैसे गर्मी तो नहीं, अब सर्दियाँ आ गई है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। क्या फ़ायदा इतना सब कुछ आप लोग से कहने का। लाइक तो फिर भी आप लोगों ने करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है। अब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाऊंगी कि आप लोग के मुंह में पानी आ जाए और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाए। हमने अपनी टोटीला को लिया, इसके ऊपर अपनी सॉस लगाई। सॉस लगाने के बाद हमने जो अपना मैरिनेटेड चिकन बनाया था वो डाला, ऊपर डाले हमने कैबेज, और इसके बाद दोबारा से सॉस डाल के इसको रैप की शक्ल दे दी। इसको एंड पे थोड़ा सा सेक लेना है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप ग्रिल भी कर सकते हैं। अब इसको कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे ताकि आप लोग के मुंह में पानी आ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा फर्ज है कहना, मैं एक बार फिर कहूंगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हो सके तो न्यू ईयर से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दें। बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।